अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हैं और जानना चाहते हैं मोटरसाइकिल डायनेमिक्स के बारे में और अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन पैरामीटर्स के बारे में जिन पैरामीटर्स के बेसिस पर मोटरसाइकिल की जो डायनेमिक्स इंजीनियरिंग रहती है वो पूरी बेस्ड रहती है, और मोटरसाइकिल की हाई स्पीड स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट्स जो रहते हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जो मोटरसाइकिल का फ्रंट एंड रहता है इसमें जो है इसकी हैंडलिंग की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी होती हैं और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो मेनली डिपेंड करती हैं दो पैरामीटर्स पर, कैस्टर एंगल जिसको रेक एंगल और कैस्टर एंगल बोला जाता है और ट्रेल। इन दो चीजों के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल का कैस्टर एंगल या रेक एंगल क्या चीज होती है, ये एंगल को आप कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ही समझते हैं। जो मोटरसाइकिल का स्टेयरिंग हेड है, जहां पर इसके बेयरिंग्स रहते हैं, जहां पर कोन सेट रहता है, जहां बोला जाता है, ये बेसिक चीजें सबको पता रहती है। स्टेयरिंग हेड के पैरेलल में आप एक लाइन खींच दीजिए, स्टेयरिंग हेड की एक्सेस से ही जाएगी वो लाइन, और जहां पर टायर का कॉन्टैक्ट पॉइंट आ रहा है रोड से वहां से एक नॉर्मल खींच दी जाएगी। नॉर्मल फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री की लाइन एक खींच दी जाएगी परपेंडिकुलर। अब वो जो रोड के कॉन्टैक्ट पॉइंट से लाइन खींची गई है और जो स्टेयरिंग हेड से लाइन आ रही है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, उसके जो ऊपर वाला एंगल होगा जो स्टेयरिंग हेड और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, उस एंगल को हम कहेंगे कैस्टर एंगल। याद रखिए, जब भी हम कैस्टर एंगल की बात करेंगे तो वो स्टेयरिंग के स्टेम से करेंगे, जो ऑफसेट है स्टेयरिंग का वहां से नहीं करेंगे। जहां पे सस्पेंशन आगे की तरफ होते हैं, थोड़ा सा ऑफसेट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, हम उधर से लाइन नहीं लेंगे। स्टेयरिंग की जो मेन स्टेम है जो चेसिस से कनेक्टेड है, हम वहां से लाइन लेंगे। स्पोर्ट्स बाइक में कम कैस्टर एंगल होता है और क्रूजर बाइक्स में हायर कैस्टर एंगल होता है, क्यों उसके बारे में आगे बात करेंगे। ट्रेल के बारे में बात करते हैं। ये ट्रेल क्या होती है? ट्रेल का जो आपको डायग्राम बनेगा वो सेम कैस्टर एंगल जैसा ही रहेगा, जो स्टेयरिंग स्टेम से लाइन जाएगी वो नीचे तक जाएगी पूरी, और जो परपेंडिकुलर लाइन है रोड के कॉन्टैक्ट पॉइंट और टायर के बीच में से जो एक्सेस से जो लाइन जाएगी वो लाइन जो है इंटरसेक्ट होगी। रोड के कॉन्टैक्ट पॉइंट वाली लाइन का इंटरसेक्शन और जो आपका स्टेयरिंग स्टेम से लाइन आ रही है उसका इंटरसेक्शन, उसके नीचे जो रोड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रेल। और ट्रेल और कैस्टर एंगल दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, लेकिन इसको मैनिपुलेट भी कंपनीज करती हैं मोटरसाइकिल के हैंडलिंग को चेंज करने के लिए। अब ये बात करते हैं कि कैस्टर एंगल और ट्रेल का काम क्या रहता है। कैस्टर एंगल में आपको बता दिया मैंने इंक्लिनेशन, जैसे आपने इंक्लिनेशन बढ़ाया स्टेबिलिटी से उसका लेन देन हुआ, इंक्लिनेशन बढ़ाया अच्छी स्टेबिलिटी, इंक्लिनेशन कम करा स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी आपकी कम हो गई। लेकिन ये ट्रेल किस काम की चीज है? जब कैस्टर एंगल ऑलरेडी आ चुका है तो ट्रेल का क्या काम है? ट्रेल का काम यह है कि कभी भी आप बाइक को चलाएंगे तो आप हैंडल पे अंड्यूलेशन डालेंगे, यानी कि कोई डिस्टरबेंस डालेंगे हैंडल पर, तो हैंडल हिल के वापस सीधा हो जाएगा। एक इफेक्ट आएगा जो कि स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट होगा, जो कि आपके हैंडल को, अगर आप गड्ढों में जा रहे हैं तो गड्ढों में जाने के बाद हैंडल हिलेगा और उसके बाद वापस सीधा हो जाएगा। वो स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट का काम जो होता है वो ट्रेल की वजह से होता है। जितना ज्यादा ट्रेल होगा उतना अच्छा स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट होगा। तो जब आप कैस्टर एंगल बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ ट्रेल भी बढ़ जाएगा, और कैस्टर एंगल बढ़ाने से क्रूजर बाइक्स में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कैस्टर एंगल रहता है। वो इसलिए क्योंकि क्रूजर बाइक्स स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए बनी रहती है, ना कि वो कर्व्स पर चलने के लिए बनी रहती है। तो क्रूजर बाइक्स में ज्यादा कैस्टर एंगल रहता है हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप स्ट्रेट रोड पर क्रूजर बाइक को चलाएंगे तो आपको ज्यादा स्टेबल फील होगी इन कंपेरिजन टू अ स्पोर्ट्स बाइक। लेकिन हर चीज आपको अच्छी अच्छी नहीं मिलेगी, इसका एक ड्रॉबैक भी है। ज्यादा कैस्टर एंगल और ट्रेल आपने बढ़ा दिया, अगर ये दोनों चीजें बढ़ गई तो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज डाउन हो जाएंगी। अब अगर आप कैस्टर एंगल और ट्रेल को घटा देते हैं तो आपका जो इंक्लिनेशन है वो कम हो गया। अगर आपने इसको घटा दिया तो आपकी मैनुवरेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बाइक को इजिली फ्लिक कर पाएंगे ट्रैफिक में। जिस तरीके से अपन ऐसे चलाते हैं तो ट्रैफिक में चलाने में आसानी हो जाएगी बाइक को, हैंडल पे चला लगाने वाला एफर्ट कम हो जाएगा, हैंडल ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। जैसे ही आप गाड़ी को मोड़ना चाहेंगे गाड़ी मुड़ जाएगी, ज्यादा हैवी फील नहीं होगा फ्रंट एंड। हाई स्पीड स्टेबिलिटी और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी आपको कम कैस्टर एंगल और कम ट्रेल में नहीं मिल पाएगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्रूजर बाइक्स रहती हैं उनके वाइड हैंडल बार्स रहते हैं। वाइड हैंडल बार्स इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, और हैंडल बार की लेंथ बढ़ाने से लेवरेज उसका बढ़ जाता है। जो राइडर एफर्ट लगता है उसे कंपनी थोड़ा कम करने की कोशिश करती है कि कम राइडर एफर्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स जो है हैंडल दे दे। अब जो स्पोर्ट्स बाइक्स रहती हैं वो भी बहुत हाई स्पीड्स पर चलती हैं लेकिन उनका कैस्टर एंगल और ट्रेल कम रहता है। तो कैस्टर एंगल कम यानी कि कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी अच्छी मिलेगी आपको और हाई स्पीड स्टेबिलिटी कम मिलेगी, और ट्रेल कम यानी कि हैंडल में अगर जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ, हैंडल बहुत सेंसिटिव है स्पोर्ट्स बाइक का, अगर उसमें जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं और उसको स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें ट्रेल ज्यादा नहीं है।
और ट्रेल कम होने की वजह से उसमें स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज का जो अल्टरनेटिव कंपनी ने बनाया है, जो मोटो जीपी में बाइक्स चलती हैं और जो स्पोर्ट्स बाइक्स रहती हैं उसमें स्टेयरिंग डैम्पर्स लगे रहते हैं। स्टेयरिंग डैम्पर्स रहते हैं वो सस्पेंशन जैसी चीज रहती है जो चेसिस से कनेक्ट रहती है और हैंडल से कनेक्ट रहती है। तो जब भी उसमें कभी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देने के लिए वो डैम्पर्स जो है उस डिस्टर्बेंस को डैम्प कर लेते हैं अपने अंदर और कोशिश करते हैं कि हैंडल में स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आ जाए, क्योंकि वहां ट्रेल जो है वो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं दे सकता है क्योंकि वहां ट्रेल जो है वो बहुत कम होता है। अब मैंने आपसे बात करी थी ऑफसेट की, मैंने शुरू में वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे थे जो आपके समझ में नहीं आए होंगे। अब स्टेयरिंग स्टेम जो है जहां से हम लाइन खींच रहे थे कैस्टर एंगल और ट्रेल को डिफाइन करने के लिए, उस स्टेयरिंग स्टेम पे क्या होता है कि उससे फोक्स जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहते हैं, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहते हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, और वो जो स्टेयरिंग स्टेम और जो फोक्स के बीच की डिस्टेंस रहती है उसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं ऑफसेट। जितना आगे कंपनी उसको बढ़ाएगी उतना ज्यादा ऑफसेट हो जाएगा, और अगर कंपनी स्टेयरिंग स्टेम और फोक्स को एक ही लाइन में कर देती है तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफसेट। मींस जो है वो ट्रेल बढ़ाने के लिए ऐसे मैनिपुलेट करती हैं कि कैस्टर एंगल बढ़ा तो ट्रेल भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ कंपनीज चाहती हैं हमारी बाइक में हम कैस्टर एंगल बढ़ाएं तो ट्रेल उतनी ही रहे, या ट्रेल हम कैस्टर एंगल कम करें तो ट्रेल बढ़ जाए। तो ये काम रहता है ऑफसेट का, अगर कंपनी ऑफसेट बढ़ा देगी तो ट्रेल बढ़ जाएगी और अगर कंपनी ऑफसेट कम कर देगी तो ट्रेल कम हो जाएगी। अब ट्रेल काय पर डिपेंड रहती है, आप समझ रहे होंगे कि ट्रेल सिर्फ कैस्टर एंगल पर डिपेंड रहती है कि कैस्टर एंगल बढ़ेगा तो ट्रेल बढ़ेगी, कैस्टर एंगल कम होगा तो ट्रेल कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेल व्हील डायमीटर पर भी डिपेंड करती है, अगर आप व्हील डायमीटर चेंज करते हैं तो उससे भी आपकी जो ट्रेल वो चेंज हो जाएगी, और ट्रेल जो है वो टायर प्रोफाइल्स पर भी डिपेंडेंट रहती है। अगर आपकी बाइक में फ्रंट टायर लो प्रोफाइल डाला है और आप उसकी कोशिश करते हैं उसमें हाई प्रोफाइल टायर डालने की, वैसे फ्रंट टायर हाई प्रोफाइल ही आते हैं, लेकिन अब अगर आप उससे और प्रोफाइल उसकी बढ़ा देते हैं तो आपकी जो ट्रेल है वो गाड़ी की बढ़ जाएगी और उससे ट्रेल पे जरा सा भी इफेक्ट पड़ने से मोटरसाइकिल के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। एक बात और बताना चाहूंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी थोड़ी सी, आपने देखे होंगे अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है वो स्पोर्ट्स बाइक्स में आते हैं मोस्टली, वो इसलिए आते हैं अपसाइड डाउन सस्पेंशन स्पोर्ट्स बाइक्स में क्योंकि अपसाइड डाउन सस्पेंशन में टॉर्शन रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, यानी कि कैस्टर एंगल कम है तो जब आप फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो सस्पेंशन पर ज्यादा लोड आएगा और वॉबल होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए वो सस्पेंशन ज्यादा मजबूत रहते हैं जो अपसाइड डाउन सस्पेंशन रहते हैं, उसमें मतलब टॉर्शनल फोर्स जो है वो इजिली कंट्रोल कर लेते हैं, बेंड होने के चांसेस नहीं होते उसमें। वहीं अगर आप कोई कम कैस्टर एंगल वाली बाइक में ब्रेकिंग करेंगे तो आपको जो सस्पेंशन है वो दबेगा ही नहीं, ब्रेकिंग फोर्स कम हो जाएगी और व्हील जो है जिटर करने लगेगा, तो इसलिए ये कंपनी उसमें अपसाइड डाउन सस्पेंशन यूज करती है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूं कि कैस्टर एंगल और ट्रेल क्या होते हैं, तो कैस्टर एंगल जो है वो एक तरीके से स्टेबिलिटी को, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर आपने कैस्टर एंगल बाइक का बढ़ा दिया, जैसे कि आप क्रूजर्स देखते हैं, चॉपर्स देखते हैं, इनमें अगर आप कैस्टर एंगल बढ़ा के क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इनमें अच्छी चाहिए रहती है, और वहीं जो कैस्टर एंगल कम करने वाली चीज रहती है उसमें स्पोर्ट्स बाइक्स आ जाती हैं उस कैटेगरी में, तो स्पोर्ट्स बाइक में कैस्टर एंगल कम रहता है, क्यों, क्योंकि वहां कॉर्नरिंग रहती है, वहां ट्रैक्स पर गाड़ी को मोड़ना रहता है, तो उसमें राइडर का स्टेयरिंग एफर्ट कम लगाया जाता है और स्टेयरिंग सेंसिटिविटी अच्छी रहती है। और ट्रेल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ट्रेल ऐसी चीज है जब आपने हैंडल पर डिस्टर्बेंस डाला तो हैंडल हिल रहा है और ट्रेल जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा, तो जो चीज हैंडल को स्टेबलाइज कर रही है वो ट्रेल कहलाएगी, तो जितनी ज्यादा ट्रेल उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इफेक्ट और जितना कम ट्रेल उतना कम स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको मोटरसाइकिल डायनेमिक्स से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो है नॉलेज आपकी बढ़ गई होगी और आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा कि आपके समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाके मुझे फॉलो करके वहां भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। सो गाइस थैंक्स वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।